दिल्ली में द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने लूटपाट, स्नेचिंग और सेंधमारी के 10 से ज्यादा मामलों का खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप और बाइक भी बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सरवर अली और संजीत के रूप में की है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि इन बदमाशों को पकड़ने के लिए एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर जयवीर, सहायक सब इंस्पेक्टर उमेश कतार सिंह आदि की टीम को लगाया गया था। इस टीम ने काफी मशक्कत के बाद इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और फिर ट्रैप लगाकर उनको गिरफ्तार किया, जो डाबरी, उत्तम नगर, द्वारका नॉर्थ, द्वारका साउथ आदि थाना इलाकों में हुए वारदात में शामिल है। ये रॉबर्ट स्नैचर बर्गलर वैरायटी में है, कैटेगरी में है। पहला का नाम सरवर अली है, इसकी उम्र 25 साल है, और दूसरे का नाम संजीत है, इसकी उम्र 24 साल है। और इनकी इन्वॉल्वमेंट पहले जो सरवर अली है उसकी 8 रही है। अलग अलग चोरी के केसेस रहे हैं, स्नैचिंग के केसेस रहे हैं, बर्गलरी के केसेस रहे हैं, बिंदापुर, डाबरी, द्वारका साउथ, उत्तम नगर, इस टाइप के इलाके में ये करता था। जो संजीत है अलियास चीना, इसकी रॉबरी में रही है, आर्म्ड रॉबरी में ही है, रॉबरी जहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल होता है उसमें रही है, लाहौरी गेट, बिंदापुर, द्वारका साउथ के इलाके में। और इनकी गिरफ्तारी से हमारे 13 केसेस सॉल्व हो जाते हैं। डाबरी के क्राइम ब्रांच का भी एक केस है, द्वारका नॉर्थ का है, द्वारका साउथ का है, और इनसे जो रिकवरीज है वो बहुत बहुत ही, आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है। 2 जेंट्स के गोल्ड रिंग, 3 लेडीज़ की गोल्ड रिंग, 2 गोल्ड की चेन, 4 पेयर ऑफ सिल्वर कंगन, 10 सिल्वर के सिक्के, 2 लैपटॉप, 10 स्टोलन मोबाइल फ़ोन और 1 स्टोलन मोटरसाइकिल। तो ये बहुत अच्छी मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसे रिकवरी से जिस फैमिली में इतनी बड़ी चोरी हुई है और उसको जब वो मिलता है तो जो खुशी होती है वो बयां करने लायक नहीं होती। डीसीपी के मुताबिक आरोपी बदमाश सरवर अली लाहौरी गेट और बिंदापुर के मामले में भी शामिल रहा है। लगातार आरोपियों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी पर अब भी पुलिस टीम छानबीन कर रही है।